हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वंदना आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत करती हूँ। आज के इस खूबसूरत से DIY को बनाने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ इस तरह के मोली धागा का, और साथ ही मैंने यहाँ पेपर रिंग ले लिया है। इसे मैंने पेपर स्ट्रॉ की हेल्प से बनाया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर एम्ब्रॉयडरी हुक का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इस मोली धागा को इस पेपर रिंग के ऊपर लपेटूंगी, और इसे लपेटना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैं इसे डबल करके लपेट रही हूँ, आप चाहें तो इसे सिंगल भी लपेट सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने इसे फंसा दिया है, और इस तरह से हम इसे इसमें लपेटते जाएंगे। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर मोटे वाले मोली धागा का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आपके पास अगर पतला वाला धागा है तो आप यहाँ पर उसका भी यूज़ करके इसे बना सकते हैं, या फिर मोली धागा ना हो तो आप यहाँ पर वुलन थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कॉटन रोप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें इसे लपेट लिया है। तो इस तरह से हम इसे लपेट लेंगे। मेरा धागा थोड़ा कम पड़ गया था तो मैं यहाँ पर इसे इतना ही लपेट रही हूँ। आप चाहें तो इसे कम्प्लीट लपेट सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस रिंग को रेडी कर लिया है। अब मैं यहाँ पर गोल्डन लेस की हेल्प से इसे और थोड़ा डेकोरेट करूँगी। तो इस गोल्डन लेस को भी मैं इसके ऊपर स्टिक करके इसमें लपेट लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर गोटा लेस का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी लेस हो यहाँ पर उसका यूज़ करके इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पर ग्लू गन की हेल्प से स्टिक करने के बाद इसे लपेट लूँगी। अब मैं ग्लू गन की हेल्प से इसके एंड को सिक्योर कर ली हूँ। तो अब मैं इसके लिए टैसल्स बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही 3 टैसल बनाकर रेडी कर लिए थे। अगर आपको जानना है कि इस टैसल को मैंने कैसे बनाया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसका भी वीडियो शेयर कर दूँगी। और अब मैं यहाँ पर इस टैसल में गोल्डन मोती और वाइट मोती को गूँथ लूँगी, जिससे कि ये देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो मैं यहाँ पर एक पॉम्पम को लगाते हुए इस गोल्डन मोती और वाइट मोती को गूँथ ले रही हूँ। आप यहाँ पर टैसल की जगह पर बेल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह के 3 टैसल तैयार कर लिए हैं, जिसे कि मैं इस रिंग के नीचे में स्टिक कर लूँगी। अब इस टैसल के नीचे जो भी एक्स्ट्रा धागे निकले हुए उसे हम कट कर लेंगे, जिससे कि ये देखने में एकदम इवन और स्मूथ लगे। तो इस रिंग को कंप्लीट करने के बाद अब मैं यहाँ पर पुरानी शादी का कार्ड ले ली हूँ, और इस तरह के कार्ड तो हम सभी के घरों में होते ही हैं। तो मैं यहाँ पर इसे डेकोरेट करने के लिए इन्हीं का यूज़ करूँगी। तो मैंने यहाँ पर एक कार्ड सिलेक्ट कर लिया है, जिसका कि मैं इस DIY में यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पर इस कार्ड से गणपति बप्पा को कट कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर इसे और डेकोरेट करूँगी। तो मैं यहाँ पर थोड़े स्टोन का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो स्टोन मिरर किसी का भी यूज़ करके इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो अब मैं इस रिंग के ऊपर में भी एक धागा को स्टिक कर ले रही हूँ, जिससे कि हम इसे इजीली हैंग कर सकेंगे। और इसके नीचे की तरफ मैं मोतियों की हेल्प से बेल को गूँथ ली हूँ, और इसे भी मैं ग्लूगन की हेल्प से स्टिक कर ले रही हूँ।
तो अब मैंने यहाँ पर गणेश जी का कटआउट ले लिया है और इसे मैं ग्लू गन की हेल्प से यहाँ पर स्टिक कर लूँगी। तो कुछ इस तरह से ही हमारा खूबसूरत सा वॉल डेकोर बनकर रेडी हो गया है बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में। तो फ्रेंड्स, आज का ये खूबसूरत सा DIY आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं अपने चैनल पे इसी तरह के DIY वीडियो शेयर करती हूँ, और इन DIYs को मैं बहुत ही कम बजट में बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप इसे इजीली रिक्रिएट कर सके। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। साथ ही आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।